डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फैट के महत्व और इसके डाइजेशन को समझेंगे। फैट या लिपिड्स, इनको लिपिड्स भी बोला जाता है। लिपिड्स का मतलब लाइपोइड वर्ड से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है ऑयली। तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि लिविंग सेल्स के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो लिपिड्स के अगर फंक्शन को हम देखें तो लिपिड या फैट्स एक ही बात है। फैट्स आर इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फैट या लिपिड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी कोशिका एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रही है, उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फैट प्रोवाइड करते हैं। सम डाइटरी फैट इज नेसेसरी टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिंस। तो विटामिंस जो हैं, वो अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो दो तरीके के होते हैं, वाटर सोल्युबल और फैट सोल्युबल विटामिंस। तो फैट सोल्युबल विटामिंस कौन से हैं? ए, डी, ई, के। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी, क्योंकि ये फैट में ही सोल्युबल हैं, तो फैट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। दे ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी फैट का इम्पॉर्टेंट रोल है। दे आर एन एफिशियंट वे टू स्टोर एनर्जी फॉर लॉन्गर पीरियड्स। तो जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत जल्दी से एनर्जी बॉडी को देता है, जैसे ग्लूकोज। लेकिन फैट जो है वो एनर्जी को हमारी बॉडी में स्टोर करके रखता है, और कार्बोहाइड्रेट से दो गुना एनर्जी ज़्यादा फैट देता है। सम हॉर्मोन्स आर लिपिड इन नेचर। कुछ हॉर्मोन्स की सिंथेसिस में भी लिपिड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे स्टीरॉइड हॉर्मोन्स हैं, इनकी सिंथेसिस में लिपिड की भूमिका रहती है। अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट की। वसा का पाचन हमारे शरीर में किस तरह से होता है? तो जो भी हम फैट लेते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ट्राइग्लिसराइड्स। इसी के रूप में हम फैट को अपनी बॉडी में लेते हैं। द ट्राइग्लिसराइड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जो एक ट्राइग्लिसराइड होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का बना होता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कनेक्टेड बाई एस्टर बॉन्ड्स, और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है वो एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये एक ट्राइग्लिसराइड है, और जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है ग्लिसरॉल, वो राइट साइड जो थ्री फैटी एसिड चेन्स दिखाई गई हैं इससे कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है? एस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक ट्राइग्लिसराइड दिखेगा। अब इसी का डाइजेशन हमारी बॉडी में होना है। तो आपको पता है डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होने चाहिए, जैसे हमने कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पढ़ा, डिफरेंट एंजाइम्स वहाँ पर थे। प्रोटीन के डाइजेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स थे, इसी तरह से फैट के डाइजेशन के लिए भी अलग अलग एंजाइम्स हमारी बॉडी में हैं। तो सबसे पहला एंजाइम जो है वो है लिंगुअल लाइपेज, जो कि वीक एंजाइम कहा जाता है और इतना प्रभावशाली एंजाइम नहीं है। कहाँ पर होता है ये? सलाइबा में प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, और ये माउथ में वहाँ पर वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि माउथ में जो पीएच होता है वो होता है 6.9। तो जैसे जैसे फूड फायरिंग्स इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है, तो ये लिंगुअल लाइपेज उसी के साथ मूव करते हुए बोलस के साथ और स्टमक में पहुंच जाता है, और वहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे एसिडिक मीडियम मिलता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा एंड कैटलाइज इनिशियल ट्राइग्लिसराइड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बट इन स्टमक। लेकिन कहाँ पर करेगा काम? स्टमक पर करेगा, बिकॉज इट डजेंट वर्क इन माउथ ड्यू टू हाई पीएच। तो ये माउथ में वर्क नहीं कर पाता है। दूसरा जो एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज एंजाइम वो होते हैं जो
फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो स्टमक की चीप सेल से सिक्रीट होते हैं, जहां से पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट हो रहा था, प्रोटीन के डाइजेशन में पढ़ा था आपने। तो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस हियर फैट डाइजेशन इज लिमिटेड टू ट्राइग्लिसराइड्स विद शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो जो ये गैस्ट्रिक लाइपेज है ये ट्राइग्लिसराइड पे वर्क तो करेगा और इसे शॉर्ट चेन बना देगा, जैसे तीन ग्लिसराइड्स, तीन फैटी एसिड्स की चेन वहां पर है तो उसे दो कर देगा तो वो डाइग्लिसराइड्स हो जाएंगे, या एक अगर वहां पर रह जाती है चेन तो उसे मोनोग्लिसराइड्स कहेंगे। तो गैस्ट्रिक लाइपेज के एक्शन से ये मोनोसैकेराइड्स में, मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है और स्ट्रॉन्ग लाइपेज होता है ये। इट वर्क ऑन इमल्सिफाइड फैट, अभी हम आगे पढ़ेंगे इमल्सिफाइड फैट किसे कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, अब आपने तीनों में उसका रोल पढ़ा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट में भी। कि पैनक्रियाटिक सिक्रीशन मतलब पैनक्रियास से निकलने वाला जूस जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट से और ड्यूडेनम में आ रहा है उसकी बात हो रही है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइपोलिटिक एंजाइम, तो लाइपोलिटिक का मतलब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। इट हाइड्रोलाइजेज मोस्ट ऑफ द डाइट्री फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जितनी भी हम ट्राइग्लिसराइड्स हमने लिए थे उनको हाइड्रोलाइज करने का काम पैनक्रियाटिक लाइपेज करता है, और बाइल साल्ट जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज को हेल्प करते हैं फैट के डाइजेशन में। एक और लाइपेज एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन से निकलता है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये भी स्ट्रॉन्ग लाइपेज होता है लेकिन इसका वर्क बहुत कम है, क्योंकि अधिकतर फैट पैनक्रियाटिक लाइपेज के द्वारा ही डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इसलिए ये अगर कोई फैट बच गया है तो उस पर वर्क करेगा। तो लाइसिथिन और बाइल साल्ट जो है वो एंटर करते हैं ड्यूडेनम में फ्रॉम लीवर। तो लीवर से जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और कहां पर आएगी, ड्यूडेनम में आएगी। ड्यूडेनम में ये लाइसिथिन और बाइल साल्ट को लाती है और फैट के साथ मिक्स हो जाती है। तो ये दोनों के दोनों डिटर्जेंट का काम करते हैं और फैट को इमल्सिफाइड कर देते हैं। और जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो पैनक्रियास से आ रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा है, वो भी ड्यूडेनम में आ रहा है, तो ये इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करेगा। इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफाइड फैट का मतलब जो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस से फैट बना है। अभी फैट के बड़े साइज के ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे साइज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फैट इंटू स्मॉलर पार्ट्स विच मेक इट इजी फॉर एंजाइम टू फंक्शन एंड डाइजेस्ट फैट। तो इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें फैट के लार्ज साइज के मॉलिक्यूल को स्मॉलर साइज में तोड़ दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ लेसिथिन एंड बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट और लेसिथिन का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैट के डाइजेशन के लिए। तो ये क्या काम करेंगे, ये फैट को इमल्सिफाई करेंगे। ओवरऑल अगर हम व्यू देखें कि डाइजेशन किस तरह से होता है फैट का, तो इन बकल कैविटी लिंगुअल लाइपेज, बकल कैविटी या ओरल कैविटी में लिंगुअल लाइपेज निकलता है। यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होता है फैट के साथ क्योंकि यहाँ पर पीएच 6.9 होता है। इन स्टमक लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज हाइड्रोलाइजेस ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स को ये लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पीएच जो है अराउंड 3 है, क्योंकि स्टमक की पेरिएटल सेल्स जो है वो एचसीएल का सिक्रीशन यहाँ पर कर रही है और पीएच को कम कर दे रही है। इसके बाद जो फूड है स्टमक में उसको काइम कहते हैं और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो काइल मीडियम में चला जाता है, बेसिक मीडियम में चला जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के साथ क्या होगा, लेसिथिन एंड बाइल साल्ट इमल्सिफाई द फैट्स। लेसिथिन और बाइल साल्ट फैट को इमल्सिफाई करेंगे यानी कि उसके लार्ज साइज के मॉलिक्यूल को स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करेंगे। Then pancreatic amylase converts triglycerides into fatty acids and glycerol. और उसके बाद pancreatic amylase triglycerides को fatty acids में और glycerol में convert कर देंगे। अगर इस और यहाँ पर जो pH है वो
एल्कलाइन पीएच होता है 7.2 के आसपास होता है, और इसके बाद भी अगर कोई फैट का मॉलिक्यूल पच गया तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले इंटेस्टाइनल लाइपेज से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।